तो आ जाओ भाई बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। फिजिक्स और मैथ्स की सेम वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जिन सभी वीडियोस पे 2000 लाइक्स टारगेट था और इस वीडियो पे भी 2000 लाइक्स टारगेट मैंने रखा है, ताकि आपको मैं बता दूं कि हम लोग अगला वीडियो अपलोड करने वाले कि कैसे हम लोग प्री बोर्ड में ज्यादा समय ना गवा के भी इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो पे 2000 लाइक्स टारगेट जरूर कंप्लीट कर रहे हो। ये जो मैंने सीरीज बनाई है ये मैं बहुत ही ज्यादा रॉ रखता हूँ। इस वीडियोस में मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ और मैं आपसे डायरेक्ट 1-to-1 बात करने की कोशिश करता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली यू नीड। अब देखो भाई, फिजिक्स का मैंने बात कर लिया, मैथ्स का मैंने बात कर लिया, अब केमिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। देखो यार, हमें पता है कि केमिस्ट्री में ओवरऑल 10 चैप्टर्स आने को है और इन 10 चैप्टर्स को करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मोस्ट ईजीएस्ट सिलेबस है। वाई? बिकॉज इसमें वो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं जो चैप्टर्स पता नहीं तुम्हारा एक महीना भी ले लेते हैं और तुम्हें समझ में भी नहीं आता। इफ़ यू आर स्मार्ट एनफ देन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। हिंट, वो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। सो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, वी हैव 70 डेज एंड अगर तुम लोग नॉर्मली स्प्लिट करोगे तो भाई 7-7 दिन है पर चैप्टर पे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस स्प्लिट इज काइंड ऑफ चेंज, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि 70 दिन को यूज कैसे करना है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजों की जरूरत है केमिस्ट्री में। जैसे फिजिक्स की मैंने बात करी थी तो फिजिक्स में मैंने बोला था कि कोई भी अपने पर्सनल रिकमेंडेशन शेयर कर सकता है नीचे, बता सकता है कि कौन से चैनल से पढ़ना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री में मैं 2 या 3 चैनल ही है जो मैं प्रेफर करता हूं कि आपको वहां से पढ़ना चाहिए, ठीक है। पहला ये कि आपको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री इज वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी। तो अगर आपको एनसीईआरटी का एक अच्छा ब्रीफ ज्ञान है ना, तो डैट इज मोर देन एनफ टू क्लियर योर केमिस्ट्री, डैट इज मोर देन एनफ टू किल केमिस्ट्री। मतलब उसमें 65+ तो इजिली आ जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से खाया है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता देता हूं कि 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली, या तो आपको एनसीईआरटी की बहुत अच्छी नॉलेज हो, दूसरी या तो आप बहुत रिलेवेंट और लेटेस्ट पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब 2 रिकमेंडेशन मेरे जो हैं उसमें से एक तो आप जानते ही होगे, विच इज भरत पंचाल सर। आप लोग जानते ही होगे भरत पंचाल सर के केमिस्ट्री के वीडियोस टॉप नॉच होते हैं। मतलब इफ यू आर वॉचिंग इट यू नो डैट यू आर गोइंग टू किल केमिस्ट्री बिकॉज इट इज वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा जो वीडियो है, दूसरा टाइप का वीडियो जो होता है हमारा, वो होता है वो वीडियो जो कि बहुत स्पेसिफिक है। मतलब इट्स लाइक कि आप एक कॉलेज लेक्चर में बैठे हो और वो वीडियो आपके एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर अप करा देगा विथ योर इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। अब कौन सा चैनल है ये चैनल? 2019 के बाद से इस पे वीडियोस नहीं आई है। ये कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ करके सर्च करना, मिल जाएगा। वहां पर जाके आप थ्योरी देखना, बहुत अच्छी थ्योरी है। मतलब मैं हर साल इस चैनल को रिकमेंड जरूर करता हूं बिकॉज इट वॉज वेरी रॉ। मेरे को रॉ कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद है। आई नो डैट इट इज नॉट टोटली रिलेवेंट टू दिस सिलेबस, बट हाँ, एनसीईआरटी पूरी तरीके से करा दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कुछ एडअप हुआ है, भली चीजें रिमूव हुई है बट एडअप कुछ नहीं हुआ है, तो नथिंग इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर यू, ठीक है। तो ये 2 चैनल में से आप कोई सा भी चैनल्स देख सकते हो, या फिर अगर कोई भी बच्चे को लगता है कि नो आई हैव अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, मेरे पास कुछ और बेटर है, मैं कुछ और अच्छे वीडियोस जानता हूँ केमिस्ट्री के जो कि टॉप ऑफ द लाइन है बट नो पीपल हैव डिस्कवर्ड इट, तो आप लोग उन वीडियोस को भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रिकमेंड कीजिए। और जब भी आप रिकमेंड करते हैं ना, पिछले वीडियो में मैंने बोला था आपको, बस चैनल का नेम नहीं लिखना, यू शुड राइट द चैनल नेम एंड उसके नीचे आप लिखो कि वाई यू आर रिकमेंडिंग इट। मतलब उसमें क्या है ऐसा वीडियोज में जो कि आपको लगा कि ये बाकी वीडियो से बेटर है, ताकि जो बच्चे हैं जो अभी ढूंढ रहे हैं चैनल, उनके लिए क्लैरिटी अच्छी मिल जाए वो 4-5 लाइन पढ़ के। नाउ, अब वीडियो हो जाने के बाद और क्या चाहिए? देखो यार, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने जब केमिस्ट्री की वीडियो बनाई थी उस समय मेरे पास बहुत अच्छे ब्रांड्स थे टू प्रोमोट, ठीक है। उस समय मेरे पास बढ़िया बढ़िया सैंपल पेपर्स थे केमिस्ट्री के प्रमोट करने के, लेकिन मैंने उस समय डिसाइड किया था डेट आई विल नॉट बी प्रोमोटिंग सैंपल पेपर्स ऑन एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक या क्वेश्चन बैंक इन माय केमिस्ट्री वीडियो। वाई? क्योंकि उसमें उसकी उतनी ज्यादा खास जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, टू द पॉइंट। देखो यार, अगर आपके पास एक एनसीईआरटी बुक है और आप इतने सक्षम हो कि आप एनसीईआरटी बुक का इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ये 3 सेट ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूं इन 3 तरह के क्वेश्चन करके आपका केमिस्ट्री में 70 out of 70 इजिली आएगा। कैसे? मैं आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक चैप्टर में 6 से 7 इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, 6 से 7 एग्जाम्पल्स होते हैं और करीबन 15 एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, विच मेक्स इट ऑन एन एवरेज ऑफ अराउंड 33-34 क्वेश्चन पर चैप्टर, मोटा मोटी यही रहता है। 33-34 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर में टोटल, इंटेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिला के, और ये 34 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो हर चैप्टर के, तो वो मोर देन इनफ है। अब 2 तरीके हैं,
या तो आप इन क्वेश्चंस को रट जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इतने नॉलेजेबल इनफ हो कि आप रट जाते हो और एक दो नंबर अगर पीछे हो जाता है तो यू विल टैकल इट, देन इट्स अप टू यू। और या तो आप क्या करो, या तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लो। अब मैं तुम्हें बता देता हूं केमिस्ट्री में एक तो ये तीन चीज और उसके अलावा आपके नेम रिएक्शन और कन्वर्जन, ये आपको आना चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया नेम रिएक्शन कन्वर्जन आपने ऐड कर दिया, तो मैं आपको बता दूं ये नेम रिएक्शन और कन्वर्जन भी आपको इन टेक्स्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये मोटा मोटी वही है, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री में मैं तुमको बता दूं 10 चैप्टर्स हो चुका है, इट इज वेरी इजी, बट वेयर टू स्टार्ट, क्या भैया हमें ऑर्गेनिक पहले करना चाहिए, फिजिकल पहले करना चाहिए, इनऑर्गेनिक करना चाहिए। अगर तुमको केमिस्ट्री ठीक ठाक लगती है, मतलब तुमको केमिस्ट्री समझ आती है, तुमको लॉजिकल लगता है, तुमको अच्छा लगता है, तो आई विल रिकमेंड दैट यू कैन टोटली स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक। पहले ऑर्गेनिक निपटा लो, बड़ा सिलेबस है, ज्यादा मार्क्स रखता है, 40 मार्क्स आ जाता है लगभग पेपर में कभी कभी, और उसके बाद फिजिकल और उसके बाद इनऑर्गेनिक कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार, मतलब मेरे जैसे हो, मतलब केमिस्ट्री एकदम नहीं पसंद, मतलब यू जस्ट हेट इट, अगर ऐसा हिसाब है तो फिजिकल से शुरू करो, फिर ऑर्गेनिक करना, फिर इनऑर्गेनिक। बट इन एनी केस कीप योर इनऑर्गेनिक एट द लास्ट, बिकॉज इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट वॉचिंग द वीडियो, मेकिंग द नोट्स एंड कंप्लीटिंग इट एएसएपी। फिजिकल में बहुत लॉजिक है, बहुत लॉजिकल है वो, और फिजिकल पढ़ने में तुमको समझ भी आएगा, चीजें लॉजिकल भी लगेंगी और तुम उसको कनेक्ट भी कर पाओगे बहुत ईजिली, ठीक है। ऑर्गेनिक भी पढ़ोगे तो इट इज क्वाइट लॉजिकल और रटने वाले के बीच में वो लाई करता है, बट इनऑर्गेनिक इज टोटली रटने वाला यार, इट इज टोटली फैक्ट्स, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब ब्रेकिंग बैड देख रखी है तो पता ही है भैया केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो सकता है कि नहीं, तो अगर पता है तो उस हिसाब से अपना दिमाग और दिल लगाएं। तो ये हो गई चीज़ें जो हमें ज़रूरत थी। अब बात करते हैं 70 डेज स्प्लिट के बारे में। देखो यार इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले तो फिजिक्स में जो बताया था सेम चीज़ करना, एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेना, उसमें सारे चैप्टर्स के नेम दिखना और चार कॉलम बना देना। पहला कॉलम थ्योरी, जैसे ही किसी भी चैप्टर का तुम वीडियोस देख लोगे तो वहाँ एक टिक लग जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा तुम्हारा एनसीईआरटी, जिसमें कि तुम सारे क्वेश्चन जब एनसीईआरटी के कर लोगे, इन टेक्स्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज, तो उसमें एक टिक लगा दोगे। तीसरा क्वेश्चन होगा तुम्हारा, जो तीसरा होगा वो होगा पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज अगर तुम करने जाओगे तो तुमको दिख जाएगा कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि मे बी देर आर सम कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि नहीं हो एनसीईआरटी के, तो वो क्वेश्चन भी आप उससे इजिली टैकल कर पाओगे। और चौथा रिवीजन का जरूर लगाना, रिवीजन तब लगाना जब तुम्हें लगे कि हाँ चीज़ें तुम्हें याद है, नेम रिएक्शंस तुम्हें याद हो चुके, कन्वर्जन्स तुम्हें याद हो चुके, तो इट इज़ टोटली अप टू यू, तब तुम उस पर टिक लगा सकते हो। तो एक ऐसा शीट ऑफ पेपर तो तुम अपने घर में लगा ही लो भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जेनित्सु का पोस्टर लगा रखा हूँ, लेकिन तुम कुछ काम की चीज़ लगा लेना। एनीवेज आगे आते हैं। इतना हो जाने के बाद आपको ये चीज़ पता होना चाहिए और आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए डैट यस चीज़ें हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि टिक्स आपको बताते हैं कि आपका काम हो रहा है। एक दिन में 3 घंटा देना केमिस्ट्री को इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा आप उसमें ना डाइल्यूट करें, ठीक है। 3 घंटे टू केमिस्ट्री, 4 आवर्स टू फिजिक्स एंड 4 आवर्स टू मैथ्स, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 11 आवर्स, और 11 एक घंटा और बाकी के सब्जेक्ट के लिए, विच इज़ 12 आवर स्टडी अ डे फॉर नेक्स्ट 70 डेज कैन ईजली मेक यू स्कोर मोर देन 95%। आई कैन गारंटी दिस, बट यू नीड टू बी कंसंट्रेटेड, फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, तीनों चीज़। 70 दिन का स्प्लिट वेरी इजी होगा, ठीक है। एक चैप्टर पे हम लोग 4 दिन से ज़्यादा नहीं देने वाले, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, एक चैप्टर पे 4 दिन यानी कि 40 दिन इन टोटल। बाकी के 30 दिन में क्या करेंगे भैया, बाकी के 30 दिन में टोटली फोकस रहेगा उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए, यानी हर वीक यानी हर 7 दिन की स्टडी के बाद, जिसमें आप 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करोगे, यू विल गिव 2 डेज जिसमें कि आप 2 दिन सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर्स को रिवाइज करोगे और याद करोगे। तो 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 2 दिन आप सिर्फ रिवाइज करोगे। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 1 दिन रिवाइज, तो इट्स टोटली अप टू यू, इसको आप किस तरीके से प्लान करना चाहते हो। मैं आपको 30 वैकेंट डेज दे रहा हूं बस इसलिए ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से अपने याद, मेमोराइजेशन और प्रैक्टिस में यूटिलाइज करो, ना कि इसलिए कि वो 30 दिन और मजा मारो 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके, अब तो हो गया चलो भैया घूम के आते हैं, तो ये नहीं करना है। यू कैन यूज दैट टाइमिंग फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तुम फिजिक्स को भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हो, तुम मैथ्स को भी एक्सपैंड कर सकते हो एज पर द अवेलेबिलिटी, बट केमिस्ट्री तुमको इनफ अवेलेबिलिटी देगा तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि केमिस्ट्री पे उतना ज्यादा सर नहीं पटकना है, जितनी चीजें मैंने बोली है उतना चीजें तुमको ऑनेस्टली कर लेना, एंड दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू, उससे ज्यादा तुम्हें दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक टारगेट जो कि 2000 लाइक्स है वो जरूर करा देना। प्री बोर्ड की वीडियो जल्दी लेके आ रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर
कि इस पे एकदम लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा देना कि ताकि तुमको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।